नमस्ते दोस्तों, संपूर्ण कृषि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाया, दो वीडियो बनाया था, उसमें आपको मिला होगा, प्राप्त हुआ होगा, उसमें आपने देखा होगा कि हम क्लासिफिकेशन के सॉरी प्रकाश अवधि के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कर रहे थे। तो उसमें हमने पढ़ा था, इसको मैंने बढ़ाया था, तीन प्रकार से क्लासिफिकेशन प्रकाश अवधि के आधार पर किया जाता है, अर्थात फोटो पीरियड के आधार पर तीन वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला था शॉर्ट डेज प्लांट, दूसरा था लॉन्ग डेज प्लांट और तीसरा है डे न्यूट्रल क्रॉप्स, अर्थात प्रकाश निष्प्रभावी फसलें, प्रकाश निष्प्रभावी फसलें। तो प्रकाश निष्प्रभावी फसलें कौन कौन सी थी, पहले मैं आपको अगले वीडियो की व्याख्या थोड़ा सा बता देता हूं। 60 डेज को कितनी अवधि, छोटे डेज की अवधि प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, उनका डेज कितना कितना घंटे का प्रकाश चाहिए, 8 घंटे चाहिए, और वो कैसे दिन और रात की चाहिए, तो उनके दिन छोटी और रात लंबी चाहिए, वो उनकी बुआई कब कब होती है, जून और जुलाई में होती है, कटाई कब होती है उनकी, अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में, मतलब रबी की फसल से पहले। दूसरी क्या हो जाती है, लॉन्ग डेज प्लांट में, तो लॉन्ग डेज प्लांट में लंबे प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, लंबे प्रकाश की अवधि की आवश्यकता होती है, लंबे प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, और इसमें जो है प्रकाश की अवधि क्या होती है, 12 घंटे, कितने 12 घंटे, और जो है प्रकाश की अवधि के दिन और रात का समय क्या होता है, तो दिन लंबे होने चाहिए, रात छोटी होनी चाहिए। मैंने कहा था कि प्रकाश अवधि के आधार पर फसलों का वर्गीकरण जो किया गया है, वह फसलों के अंकुरण और वृद्धि, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनके आधार पर नहीं किया, वो अंकुरण कितने टेम्परेचर में होता है, कितने प्रकाश की आवश्यकता होती है, नहीं, लेकिन मतलब किससे रखता है, फसल के पकते समय। तो आज हम तीसरे का अध्ययन कर रहे हैं, डे न्यूट्रल क्रॉप्स। जो डे न्यूट्रल का क्रॉप्स का मतलब है कि वह फसल जिसको प्रकाश अवधि ज्यादा हो या कम हो, इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। डे न्यूट्रल में इसमें फसलों के पकते समय प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनकी बुआई आप लंबे समय की और प्रकाश अवधि मिल जाए तो भी उनके फसल पक जाएंगी, अगर छोटे अवधि के मिले तो भी फसल पक जाएंगी, अर्थात इनमें प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसमें हम लिख सकते हैं कि वे फसलें जिनके पुष्पन अर्थात फ्लावरिंग, फूल लगने के समय वह पकते समय प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है, इनमें चाहे वह प्रकाश अवधि कम हो चाहे वह प्रकाश अवधि छोटी हो, लेकिन इनके पकने के समय पे इन पे प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस समय कौन सी फसलें आएंगी, इसमें आप ध्यान रखिएगा, इनके अंतर्गत कौन से आएंगी, देखिए एक हो जाएगा कपास, दूसरा हो जाएगा सूर्यमुखी और तीसरा हो जाएगा टमाटर आदि, ठीक है। तो डे न्यूट्रल प्लांट हुए हैं वे प्लांट जिनकी पुष्पन और फल पकते समय प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम क्या कहेंगे,
दे न्यूट्रल प्लांट कहेंगे। अब आप कहेंगे कि नेक्स्ट क्रॉप में आपने कपास को लगाया है, ठीक है, लेकिन पकते समय कपास को भी डे न्यूट्रल माना जाता है, क्योंकि कहीं दक्षिण भारत में जैसे गुजरात, पश्चिम गुजरात और महाराष्ट्र में जाएंगे तो प्रकाश अवधि है। मैंने कहा था ना कि उत्तरी भारत में ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया है, केवल उत्तरी भारत में मान्य होता है, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में इस ऋतुओं के आधार पर कोई मान्य नहीं। उत्तरी भारत का मतलब केवल मैदानी क्षेत्र में। तो यहां क्या है, कपास और सूर्यमुखी और टमाटर। आप केवल जानते होंगे सूर्यमुखी, लेकिन टमाटर भी तीनों ऋतुओं में उगाई जाती है, शरद ऋतु में भी उगती है, ग्रीष्म ऋतु में भी उगती है और आपका वर्षा ऋतु में भी उगाया जाता है, और तीनों ऋतुओं में इनकी फसलें। अगर इस आधार पर देखा जाए तो एक और फसल होती है, उसको हम बाद में कंफर्म करके आपको बताएंगे, वो भी शामिल किया जाता है कि नहीं, लेकिन ये तीन फसलें आपको शामिल की जाती है, कपास, सूर्यमुखी, टमाटर। तो कभी कभी प्रश्न आप देता है, जब टमाटर केवल लिख देता है आप तो ध्यान देते हैं सूर्यमुखी का, लेकिन टमाटर को छोड़ देते हैं, कपास को छोड़ देते हैं। तो कपास ध्यान रखिएगा, आपको केवल जानकारी होगी सूर्यमुखी, लेकिन दो फसलें और शामिल की जाती हैं उसमें, टमाटर और कपास। टमाटर और कपास, फिर से पुनः दे देता हूं कि केवल इसमें यही कहना है, डे न्यूट्रल वह फसलें हैं जिनके पकते समय प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह किसी भी प्रकाश अवधि में चाहे वो छोटा हो लंबा हो तब भी वो अपने फलों को, फूलों को पैदा करते हैं और फलों को पकने का अच्छी तरह से पका देते हैं। तो इसके आधार पर इन्हें कहा जाता है डे न्यूट्रल। तो उन फसलों को शामिल कर, डे न्यूट्रल फसलें कौन सी हैं, कपास, सूर्यमुखी, टमाटर। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, कपास, सूर्यमुखी, टमाटर, कपास, सूर्यमुखी और टमाटर। तो आज के लिए धन्यवाद, इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दूसरी वीडियो अगर हमारी पुनः आपको आप YouTube पे चैनल पे डाली जाती है तो आपको इसका डिनोट तुरंत मिलेगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे आपको तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाए, और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, नमस्कार।